गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्ती क्वीन का जादू अगेन। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरी मॉर्निंग वॉक हो चुकी है कंप्लीट। और मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम हो रहा है। ये देखो मैं आपको आराम से दिखाती हूँ। ओह माय गॉड भाई, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे मौसम में। और आज मॉर्निंग वॉक करके बहुत मज़ा आ रहा है, रिफ्रेशिंग फील हो रही है और साथ में कुछ ना चटपटा सा खाने का भी मन कर रहा है, ब्रेकफास्ट टाइप। वैसे तो ऐसे मौसम में ना गाइस, मैं मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाना पसंद करती हूँ, बट आज क्या है कि ज़्यादा ही मेरा बाहर का मन जो है कर रहा है खाने का। तो बस हम चलने वाले हैं और टूट पड़ने वाले हैं खाने के ऊपर। और ऐसी जगह मैं आपको ले जाने वाली हूँ ना, वहाँ जाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। और आप वहाँ जाओगे ना मेरे साथ तो आपको हो गए भाई हमें भी बताओ कौन सी जगह है, तो सब कुछ मैं बताऊंगी। और बहुत ही सस्ता मिलता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं वो अंकल। तो गाइस, वॉक करके मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ और अब मुझे लगी है जोरों की भूख। तो आज नारियल पानी कैंसिल, क्योंकि ठंडा मौसम है आज, तो आज ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी नारियल पानी की मुझे। तो आज हम चटपटा और कुछ हैवी खाने वाले हैं। सो गाइस, देरी किस बात की, फटाफट से चल पड़ते हैं। सो गाइस, गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जा रही हैं। और ये कोई ऐसा वैसा पूड़ियाँ नहीं है, मैं आपको बता दूँ ये 150 साल पुराना ये शॉप है और चिमन लाल के नाम से ये शॉप है। और चिमन की कचौड़ियाँ, आलू की सब्जी, वाह देखो सामने रखा हुआ है। 150 साल पुराना है गाइस ये शॉप, पानीपत के अंदर और किले के ऊपर है, चिमन लाल किले के ऊपर है ये शॉप। आप किसी से भी पूछोगे ना पानीपत के अंदर, सभी आपको बता देंगे। यहीं पर आसपास जो है दुर्गा कुल्फी वाला भी है, तो नमकीन खा के मीठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो फिर मैं किसी और दिन आपको खिलाने वाली हूँ। फिलहाल हम आलू की सब्जी और इनकी जो चटपटी वाली चटनी होती है वो बोलते हैं कौन सी, चिलौंजी है, चिलौंजी की चटनी देते हैं ये आलू के साथ। और साथ में छोले भी देते हैं, पेठे की सब्जी भी देते हैं, लेकिन पेठे की सब्जी जो है ना गाइस वो सर्दियों में देते हैं, गर्मियों में नहीं। तो ये देख लो आलू की सब्जी, छोला, और इसी में डाल देते हैं ये चिलौंजी की जो चटनी होती है जो बनाते हैं, चटपटी सी चटनी, वो इन्होंने डाल दी है इसके अंदर। तो मैं आपको बताऊँ छोले से भी ज़्यादा ना मुझे आलू की सब्ज़ी इनकी बड़ी अच्छी लगती है। वैसे मेरी मम्मा भी बनाती हैं बहुत टेस्टी आलू और कचौड़ी, बट यहाँ थोड़ा बाहर का ना खा के थोड़ा और मज़ा आता है। पूरी की बात करें तो इनकी जो पूरियाँ होती हैं ना गाइस, उसके अंदर थोड़ा सा ये अलग सा मसाला सा बनाते हैं, वो समझ में तो नहीं आता क्या बनाते हैं, बट इनकी पूरी में जो मसाला होता है ना भरा हुआ, थोड़ा थोड़ा भरते हैं लेकिन खाने में टेस्ट अलग सा ही आता, आज तक नहीं समझ पाई मैं। और हाँ गाइस, अगर आप कभी इनकी कचौड़ी और ये खाओ छोले और आलू की सब्जी, तो साथ में लस्सी ज़रूर पीना आप जब कभी भी यहाँ पे आओ चिमन की कचौड़ी खाने के लिए, तो आप लस्सी साथ में ज़रूर लेना। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि लस्सी के साथ ना मज़ा सा आ जाता है, दुनिया के सारे डिशेज आप भूल जाओगे। सुबह का ये ब्रेकफास्ट करोगे ना आप सारे डिशेज भूल जाओगे। रेट जानना चाह रहे हो गए, ऑफकोर्स आपको रेट बता दो गाइज, रेट है इनकी 40 रुपये प्लेट है और लस्सी की अलग से है। लस्सी 30 रुपये की ही है और 60 रुपये की भी है, तो 30 वाले में थोड़ी कम मलाई देते हैं, 60 वाले में भर कर मलाई डालते हैं लस्सी के अंदर। तो मैंने ली है 60 वाली और ये देखो बस मैं ये खाने वाली हूँ, क्योंकि भैया मुझे तो वर्कआउट करके ना बहुत तेज़ की भूख लग जाती है, मुझसे नहीं रुका जाता बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा खाते खाते ना आपसे बातें भी कर लूँ और शेयर भी कर दूं आपसे, ताकि आप भी रिजनेबल रेट के साथ जो है ना, अगर आप अपने बच्चे फैमिली या फिर खुद खाना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर बैठकर खा सकते हो। हाँ, भीड़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई, वेट करना पड़ता है, जैसे बड़े बड़े 5 स्टार में वेट करना पड़ता ना कि हमें वो वाला टेबल चाहिए वहाँ बैठना है, तो इसी तरह से आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। बट इन्होंने क्या है कि 2 शॉप खोल ली है अब, और दोनों शॉप में जो इनकी भीड़ बहुत ज़बरदस्त वाली रहती है। शॉप छोटी जरूर है, खाने का जो मज़ा छोटे छोटे शॉप में है ना, वो बड़े 5 स्टार में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मर्जी खाओ और पेट भर के खाओ, रिजनेबल रेट है, फैमिली के साथ बच्चों के साथ आ सकते हैं। ये देखो रूप ऊपर लिखा हुआ चिमन लाल कचौरी वाला, तो बहुत ही पास में है अगर पानीपत हरियाणा में रहते हो। और इस शॉप के अगर आपने दर्शन नहीं किए, नहीं खाया यहाँ का ये आलू छोले और पूरी,
तो कुछ नहीं खाया भाई, मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं महीने में एक बार जरूर खा लेती हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ी डाइटिंग वाइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो महीने में एक बार तो मेरा होता ही होता है। कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।